नमस्कार दोस्तों, BH07 एचएल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई बैठने की क्षमता। जी हां दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने टर्मिनल भवन में यात्रियों के बैठने की क्षमता का विस्तार किया है। इससे पहले टर्मिनल भवन में 180 यात्रियों के बैठने की क्षमता थी, जिसे बढ़ाकर अभी हाल ही में 230 किया गया है। और ये बताया जाता है कि इसके लिए अंदर बने कॉमर्शियल स्पेस को अब एक साथ मिलाया गया है, ताकि यात्रियों के बैठने के लिए क्षमता का विस्तार किया जा सके। इसके बाद अब टर्मिनल भवन के अंदर के लुक में परिवर्तन देखने को भी मिल रहा है। सूत्रों का कहना है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ी संख्या को देखते हुए सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ समय अंतराल पर अलग अलग जगहों की फ्लाइट होने की वजह से कई बार एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या 300 से अधिक हो जाती है, और इसके कारण टर्मिनल भवन के अंदर यात्रियों की भारी भरकम भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन चेकिंग काउंटर पर लोगों को खड़े होने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना होता है। फ्लाइट लेने के लिए यात्रियों को 2 घंटे पूर्व एयरपोर्ट पहुंचना होता है, ताकि सुरक्षा जांच व चेकिंग की प्रक्रिया को पूरी की जा सके। लेकिन इसके साथ ही वर्तमान में दरभंगा एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए एयरफोर्स से 5 वर्ष के लिए ज़मीन लीज पर ली गई है, और इसके लिए सीमित क्षेत्र में ही इसका विस्तार संभव है। नए टर्मिनल भवन व रनवे विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही नए लुक में दरभंगा एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ भी बाकी महानगरों के तर्ज पर एयरपोर्ट सारी सुविधाओं से लैस होगा। और इसके साथ ही बताते चलें कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नए सिविल इनक्लेव और रनवे विस्तार को लेकर जिला प्रशासन की ओर से 78 एकड़ ज़मीन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार की हरी झंडी मिलते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का अपडेट, और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा के लोकल खबर और दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ध्यानपूर्वक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपडेट समय से हम आप तक पहुंचा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुक्रिया।